जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी किस्मत साथ नहीं देती, आप अपने भाग्य को बहुत कोसते हैं कि हमारी किस्मत में तो कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लिखी, किस्मत हमारी साथ नहीं देती, हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, हमारा स्ट्रगल कई दिनों से है, कई महीनों से है, पारिवारिक परेशानियां बढ़ जाती है, आर्थिक रूप से भी चीज़ें संपन्न नहीं हो पाती, जीवन में कई सारी रुकावटें और परेशानी हमेशा बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में आज आपको मैं गुप्त मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिस मंत्र को अगर आप प्रयोग एक बार करेंगे तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म होगी और आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। वो मंत्र कौन सा है, उसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखकर बहुत बारीकी से इस वीडियो को समझे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक तो, ताकि आपसे जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो आपको हमेशा यहां से मिलते रहेंगे। दूसरा एक निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, अर्थात वर्तमान कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे, कोई प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू और हमारी मदद आप ले सकते हैं। अब मंत्र कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, उसे बहुत विस्तारपूर्वक समझना है। सबसे पहले आप अपने घर में, जहाँ भी अपने देवी का अपने पूजा स्थल हो, उस पूजा स्थल पर एक नारियल रखें। एक नारियल लाएं, उसे लाल कपड़े में आपको बांधना है, नारियल को रखें। नारियल को रखने के बाद में नियमित रोज 18 दिन तक 18 अध्याय गीता के पढ़ना है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, समय है नहा धोकर स्नान ध्यान करके आप आराम से पढ़ें। 18 दिन तक 18 अध्याय पढ़ें और उस नारियल को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, जब आप इस उपाय का प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। ओम नमः शिवाय।